वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं इजी तरीके से आलू बैंगन का सालन, यानी कि एक टांग की मुर्गी। हाँ, एक टांग की मुर्गी। तो आज हम भी बनाने वाले हैं आलू और बैंगन का सालन। कैसा, मसालेदार होगा? हाँ, पतला होगा? मसालेदार भी होगा लेकिन थोड़ा रस्सा रखेंगे हम। हाँ, यानी कि थोड़ा मजा आएगी खाने में। वैसे देखो यार, बैगन बहुत से लोगों को पसंद होता है और बहुत से लोग मुंह भी खुजाता है। आप लोग सुन रहे हैं कितना डाउन आवाज में, मजा आएगा है। देख रहे हैं ना आप लोग, कम मजा आएगा। नाटक चालू रहता है जब भी मैं चिकन नहीं लाऊंगी तो। भाई आपने मान लिया हफ्ते में 3 बार वेज खाने का है ना? 3 बार वेज और 4 दिन चिकन। वो तो मेरे पे डिपेंड करता है, अभी 4 दिन अपने तरफ से मत घुसा। वेज 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 की रेसिपी कंटिन्यू हो गई है तो मुझे भी आदत पड़ रही है वेज खाने की। हाँ। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। क्या 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 बना रहे? आलू बैंगन बैंगन का सालन बना रहे। बैंगन का सालन बनाने के लिए अम्मी क्या क्या लेंगे? चलो तो सबसे पहले लेंगे हम बैंगन, आलू, टमाटे, तलेली प्याज, कोथमीर, अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ लेंगे हरी मिर्ची, 2-4 कड़ी पत्ता, दही, कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर, यहाँ लेंगे हम जीरा बुक्की, हल्दी बुक्की, धनिया बुक्की, मिर्ची की बुक्की और कश्मीरी लाल मिर्ची की बुक्की। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हम बैंगन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ कांटे वाले बैंगन, आपको जो पसंद है आप वो ले लेना, क्योंकि बैंगन में भी बहुत सारे बैंगन अलग अलग आते हैं, मुझे कांटे वाले पसंद है इसलिए मैं ये लेके आई। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसकी कटिंग कर लूँगी। तो जो ये है ना ऊपर का फूल, ये हमको पूरा काट के नहीं फेंकना है, सिर्फ इसको इतना ही काटना है, आधा आधा ऊपर के कांटे। अम्मी काटा नहीं बेटा, ये जो पत्ते है ना ये जड़, ये पूरा नहीं काटना है, इसमें बहुत विटामिन होता है तो इसको इतना ही काटना, और इसकी डंडी भी हम पूरी नहीं काटेंगे, बस ये इतना काटना है। इसके बाद हमको इसको चीरा लगाना है ताकि इसके अंदर तक अच्छे से मसाले जाए और हमारे को चेक करने भी आए कि कौन सा बैंगन अच्छा है और कौन सा सड़ा हुआ है ना, देखने में भी आ जाता है। इसी तरीके से मैं सारे बैंगन काट लूँगी और यहाँ पे मैं ये बैंगन पानी में डाल रही हूँ ताकि हमारे बैंगन काले ना पड़े। इसी के साथ मैं पानी में आधा नींबू निचोड़ रही हूँ, नहीं तो बैंगन एकदम काले हो जाते हैं। आधे नींबू के साथ आधा चम्मच नमक भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से पानी करके आप बैंगन कटिंग करके डालेंगे तो आपके बैंगन काले नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे बैंगन कटिंग कर ली हूँ। ठीक है, अब आलू भी मैं कटिंग कर लूँगी। आलू का साइज मैं एक आलू में 4 पीस करूँगी, आपको जितने बड़े रखना है आपकी मर्जी है। ठीक है, कितना आलू है ये? 150 ग्राम आलू है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आलू और बैंगन मैंने कट कर ली हूँ, अब हम मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 200 ग्राम दही। ठीक है, इसको ज़रा अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर दही को अच्छे से फेंट ली हूँ मैंने, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इसी के साथ डालेंगे हम इधर 1 चम्मच भर के मिर्ची पाउडर, अब हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के लेंगे हम धनिया पाउडर, आधा चम्मच लेंगे हम जीरा पाउडर, आधा चम्मच लेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्ची। ठीक है, अब हम इसको मिला लेंगे। तो मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक यहाँ पर मैं आधा चम्मच ले रही हूँ, बाद में हम देखेंगे कम ज़्यादा होगा तो और मिला लेंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने यहाँ पे 2 प्याज तल के रखी थी, इसको भी थोड़ा हाथ से चूर लेंगे और इसको भी मिला देंगे। अगर आपके पास तलीली प्याज नहीं है तो आप 2 प्याज तल लेना। ठीक है, बड़े मज़े के बनते हैं बैंगन, इसको भी हम थोड़ा मिला लेंगे इसमें। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर, बाकी कोथमीर हम ऊपर से डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सब मिक्स कर ली हूँ, अब हम इसको रख देंगे साइड में।
तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को चढ़ा दिए है, इसमें हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अभी हम इसमें आलू डाल देंगे और थोड़ा सा आलू को फ्राई कर लेंगे। जरा संभाल के डालना, इसके तेल उड़ता है क्योंकि हम पानी में से निकाल के डायरेक्ट डाल रहे हैं ना, तो ज़रा चेहरा वगैरह संभाल के। अभी क्या हम लोग को हैबिट है, फिर भी कहीं ना कहीं एक आधा चटका लग ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आलूओं को 3 से 4 मिनट तक तेल में तल ली है। हमको इसको पूरा नहीं पकाना है क्योंकि अभी हम इसको मसाले के साथ गलाएंगे, इसको आधा ही कुक किए हैं। तो आलू मैंने बाहर निकाल ली हूँ, अब बैंगन डालेंगे इसमें। प्याज तो पीछे भाग गया एकदम। हम डाल दिए इसमें हमारे बैंगन। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट ही मैंने पकाई हूँ बैंगन को, तो बैंगन हमारे लाल हो गए हैं लेकिन गले नहीं है। ठीक है, अभी हम बैंगन को हटाएंगे नहीं इसमें से, इसी तरह से रखेंगे। ये 2 हरी मिर्ची को मैंने कट लगा के डाल दी हूँ और ये थोड़े से कड़ी पत्ता डाल दी। बैंगन हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बैंगन को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये जो हमने मसाला तैयार करके रखे थे ना रेडी, ये डाल देंगे ताकि ये मसाला भी पकते रहे, भूनते रहे और हमारे बैंगन को भी मसाला अच्छी तरीके से लग जाए। नहीं तो क्या होगा मालूम, बैंगन का टेस्ट अलग भागेगा और मसाले का टेस्ट अलग भागेगा। इसके लिए हमने इसी में डाल दिए। अभी हम इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, दही, मसाले सब आ गया इसके अंदर। ठीक है ना, सिर्फ टमाटे बचे हैं तो हम टमाटे भी बाकी नहीं रखेंगे, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी बाहर नहीं रखेंगे, सब एक साथ ही भुनेंगे और सब एक साथ पकाएंगे। अब इसको हम ढक के रख देंगे, हमने इसमें नमक भी ऐड करे है ना। तो चलो 10 मिनट तक पक गया है मेरा बैंगन। इसमें हमने पानी नहीं डाले थे, टमाटे डाले थे, दही डाले थे, जो मसाले ऐड करे थे वो डाले थे, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारे बैंगन देखो आधे गल चुके हैं, हल्का सा और पकना बाकी है। अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी, इसके साथ डालेंगे हम ये आधा गिलास पानी। थोड़ा सा हमको रस्सा रखना है इसमें, एकदम सूखा मसाला नहीं रखना है इसके लिए। अभी इसको मैं इसी तरह से थोड़ा सा पानी और डाल के ढक के पकने दूंगी और इसका नमक वगैरह सब चेक कर लेंगे हम। अगर नमक कम है तो इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे थोड़ा। इसको अभी ढक के 5 मिनट और पकने दूंगी। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट मैंने पकाई हूँ पानी डालने के बाद। अभी हमारा शिरवा भी अच्छा खासा माशाल्लाह देख रहे हैं आप लोग, गाढ़ा गाढ़ा ही है, बस हमको इतना ही चाहिए। अगर आपको इससे भी पतला चाहिए तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको एकदम सूखा चाहिए तो इसको थोड़ा देर और पका लेना, लेकिन मुझे इतना ही रस्से वाला चाहिए क्योंकि ये खट्टा खट्टा रस्सा है तो चावल पे डाल के खाने में बड़ा मज़ा आता है। और हमारे बैंगन भी बहुत अच्छे से गल गले सॉफ्ट, आलू भी अच्छे से गल गले एकदम सॉफ्ट, और हमारे बैंगन का सालन यहाँ पे अच्छे से रेडी हो गया है। बैंगन का सालन तैयार हो गया है। मैं गैस कर रही हूँ ऑफ और इसको ढक के मैं 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो गया है बैगन का सालन, है ना? एक टांग की मुर्गी का सालन। हाँ, बैगन की इजी रेसिपी। हाँ, एकदम आसान तरीके से। हाँ, लेकिन आसान तरीके से खाया नहीं जाता है रेसिपी, बहुत ही आसान तरीके से। चलो मस्त दही के साथ खट्टे खट्टे बैंगन। तो ये सब चीज अम्मी को ना बहुत पसंद है, बैगन हो गया, करेला हो गया, एकदम शौक से खाते हैं हम ये सब चीज। एक टांग की मुर्गी।
लेकिन सही में बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, बहुत झटपट बन गई। खाली सब मसाले को मिलाओ, डाल दो, पका लो, 10 मिनट में पानी डालो, रेडी है ना। अभी अगली डिश ऐसी तैयार करके दूंगी, रियाज बनाएगा। नहीं बहुत हार्ड है। चलो अभी एक टाइम की मुर्गी खा के दिखाएगा मेरा। लेकिन सही में मसाला तो एकदम गजब का दिख रहा है। पहले ना मैं आलू तोड़ता हूँ, आलू थोड़ा सी बैंगन, ऐसा आलू और बैंगन तोड़ के ना, ओहो थोड़ा सी मसाला लेने का, इसके साथ ना कांदा भी लेता तो मजा आ जाता है। मैं बोलने वाली थी आज। अब बताता हूँ मैं कैसा। देखो ये ना थोड़ा सी आलू, ये आलू ले लिया हमने, और ये थोड़ा सी आधा बैंगन, पूरा आधा, और ये रहा मसाला। ये ऐसा मिलता है ना, ये है, लो बिस्मिल्लाह। दम खट्टा खट्टा वाला सालन है ना, मस्त। ये सब चीजें भी मैं खाता हूँ, समझे क्या? ये दही वाले बैंगन है खट्टे, इमली वाले खट्टे बैंगन, भरे हुए बैंगन जो मसाले के साथ एकदम भरे हुए रहते हैं, जो पीस वगैरह। हमने भरवा बैंगन की भी रेसिपी बनाया है ना, तो आप वो भी देख लेना। मैंने भरवा बैंगन की रेसिपी डाली हूँ, वो भी सालन एक नंबर होता है। मेहमान आ गए, अगर आपको जल्दी बनाना है तो वो भी बनाइए, वो भी इजी तरीके से ही बताई हूँ मैंने। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है, वो भी पराठे के साथ सर्व कर देना, इंसान दुआ है देखे उठेगा खाना खा के। लेकिन भाई जब मेहमान आएंगे तभी मत बनाना, वेट मत करना, कोई मेहमान आएगा तब बनाएंगे, अपने लिए भी बना लेना। मेहमान आएंगे तब बनाएंगे। और हाँ, इसके अंदर जो बैंगन और आलू मैं फ्राई कर रही थी ना, तो उसी के अंदर मैंने मसाला छोड़ दी थी, तो तेल मैंने निकालना भूल गई थी, तो हाँ, मैंने बाद में वो तेल मैंने थोड़ा ज्यादा डाल दिया। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं डाली थी, मतलब फ्राई करने के हिसाब से डाली थी आलू बैंगन, और फिर उसमें से तेल कम करके फिर मसाला डालना था, तो मैंने तेल कम करना भूल गई थी। फिर मसाले डालने के बाद फिर मुझे साइड में करके फिर मुझे तेल बाहर निकालना एकदम इजीली निकालेगा। कि अम्मी इतने सारे तेल में खाना बना रही। इसके लिए बता रही हूँ मैं, तेल बहुत इजी तरीके से निकाल लेती हूँ, बहुत इजी तरीके से तेल निकल जाता है आराम से। ठीक है, ऐसा बना मसाला तो बहुत मस्त है, मजा आ गया मेरे बच्चे को। मुझे मसाले में मजा आती है, अम्मी के हाथ का हर मसाला मस्त लगता है। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा रहेगा या हमारी बैगन की रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्ट्रीट फूड जायका हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जाते जाते मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो। और एक बात बता दूं, अगर सालन खराब बनाना तो मुझे टोक भी देता है। हाँ, आज मुझे मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। ऐसा है, सीधा सीधा साफ। अम्मी आज तीखा बन गया, मुझे मजा नहीं आ रहा है। अम्मी आज फीका लग रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है। इसका चटपटा सब चीज बैलेंस में, आज अम्मी कुछ कच्चा रह गया, मजा नहीं आ रहा है, बोल देता है फटाफट। तो भाई चलो अब चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय बाय। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना।